पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर आई एम टेकिंग कैन बी मार्केटेड मतलब कि कौन सी ऐसी गुड सर्विसेज है जिसको मैं मार्केट में लेके आ सकती हूँ उसका मैं मार्केटिंग कर सकती हूँ उसके फीचर्स को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ और जो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे कस्टमर्स उसको बाय करेंगे लेट मी टेक यू थ्रू दाइन्स एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन जनरली इट इज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विच इज मार्केटेड मैं मार्केट में क्या बेचूंगी प्रोडक्ट और सर्विसेज ही बिकते हैं

ऐसी कोई भी चीज़ जो आप में में लेके आते हो, ऑफर करते हो और वो कस्टमर की एक requirement है, उसको वो खरीदना चाहता है और और उसको उसको खरीद के उसको definitely उसकी नीड का उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा प्रोडक्ट डज नॉट ऑलवेज रेफर टू फिजिकल प्रोडक्ट ओनली फ्रॉ फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट जस्ट वन फिजिकल प्रोडक्ट जिसको आप देख सकते हो उसके अलावा बहुत ऐसी चीजें होती है जो मार्केट करी जाती है फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे चलते हो आपको बैनर्स दिखेंगे एक इंश्योरेंस कंपनी कुछ सेल कर रही है बैंक्स अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं थिएटर में कुछ सेल किया जा रहा है मॉल्स अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं मॉल्स के एडवर्टाजमेंट होते ये सब मार्केटिंग सो इट इज जस्ट नॉट वन आइटम विच यू आर वन फिजिकल आइटम जिसको आप देख सकते हो उसकी मार्केटिंग होती है मार्केटिंग हर एक चीज की हो सकती है It may include anything that can be offered to customer for satisfaction. From manufacturer's point of view, a product is the complex combination of various part. Manufacturer जब किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ें को consider करते है कि कस्टमर को क्या चाहिए कौन से रेंज में चाहिए उसके अंदर मुझे क्या सामान रॉ मटेरियल यूज करने चाहिए बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है उसके पीछे फ्रॉड

सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है साइकोलॉजिकल कि हमने उसको यूज़ कर रहे हैं और हम साइकोलॉजिकली हैप्पी हैं कि हमने वो उसको यूज़ कर रहे हैं अच्छी फीलिंग आ रही है हमें सोशल सेटिस्फैक्शन कि हम उसको जब पहनते हैं या यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी को भी अगर वो वो आइटम देखता है हमारा तो वो भी हैप्पी हो रही है सो फॉर एग्जाम्पल अ प्रोडक्ट लाइक शू मे प्रोवाइड थ्री यूटिलिटी दैट इज़ प्रोटेक्ट द फीट एंड गिव कम इन वॉकिंग दिस फंक्शन मतलब कि उस प्रोडक्ट का फंक्शन ये था कि जब आप वॉक करो आपको कम्फर्ट दे आपको प्रोटेक्ट करें फुटबॉल में आप कि करो तो बहुत अच्छे से यू नो योर लेग इज प्रोटेक्टेड एंड यूर कम इन अ कम्फर्ट जोन वैन यू रन सो ये उसका फंक्शन है द कस्टमर मे फील कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट बाई वेयरिंग दोल यू फील गुड अबाउट इट he may be able to get acceptance and appreciation from a a a group by wearing a particular brand of a shoe shoe friends relatives ही मे बी एबल टू गेट एक्सेंग्रेंड्सिएट कर रहे हैं। तो ये एक marketer की, uh, view point होता है और इतना सब कुछ consider करके चीजें manufacture की जाती हैं चीजें मार्केट में लाई जाती हैं और ऑफर की जाती हैं अब मार्केटर मस्ट अप्रिशिएट दैट

एक गुड्स और सर्विसेज को ना कंज्यूमर uh, uh, को सेल करके उसके ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहा है that means, uh, that means वो कोई फेवर नहीं कर रहा है बल्कि जब वो गुड्स सेल किया जा रहा है एक्चुअली में वो गुड या वो सर्विस कंज्यूमर को क्या दे रही है ये चीज उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए उसको ये अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि बायर ने आपका गुड परचेज कर लिया है माई गुड इज सोल्ड नो उसको इससे आगे जाके समझना चाहिए कि वो जो गुड और सर्विसेज उसने जो सेल करी हैं अपने कंज्यूमर को वो गुड सर्विस जो उसकी गुड सर्विस है वो कंज्यूमर को क्या दे रही है अ मार्केटर मस्ट एप्रिशिएट दैट अ बायर डज नॉट बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर इट्स ओन सेक ओके बट रैदर वॉट द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्स हिम और डज फॉर हिम मतलब कि इसका एक और एक और मीनिंग ये भी है कि मार्केटर को ये ही नहीं समझना चाहिए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने जो खरीदे हैं वो उसने अपने खुद की नीड के लिए खरीदे बल्कि इम्पोर्टेंस ये इस पर देना चाहिए कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हुए हैं वो गुड एंड सर्विसेज एक्चुअली में क्या सेटिस्फैक्शन क्या सर्विस डिराइव करके दे रहा है कंज्यूमर को अ प्रोडक्ट कैन बी और

ये तीन अलग सर्विसेज है बैंक की जब ये तीनों सर्विसेज वो बनाता है बहुत चीजें कंसिडर करके बैंकिंग की मार्केटिंग टीम्स होती है मार्केटर्स होते हैं वो मार्केट में लेके आते हैं उसकी सर्विसेज को और उस सर्विसेज को ऑफर करते हैं सो दे ऑल्सो डज मार्केटिंग फॉर बैंकिंग ऐसे इंश्योरेंस की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, shows, theater, movies, है ट्रांसपोर्ट ऑल्सो एक्सपीरियंसिस शोज थिएटर मूवीज जो शोज है थियेटर मूवीज हैं उनको पच्चीस साल से वो मूवीज शो कर रहे हैं और कुछ न्यू चीज़ें वो सर्विसेज ऐड कर रहे हैं तो उनकी जो मार्केटिंग टीम है वो अपने आइटम्स को मार्केट करेंगे प्लेसेस हैं टूरिस्ट प्लेसेस लाइक केरला मलेशिया सिंगापुर आइडियाज लाइक से नो टू ड्रग्स नो स्मोकिंग एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर सो इट इज जस्ट नॉट दैट फिजिकल थिंग विच इज मार्केटेड कोई ऐसा फिजिकल चीज़ या कोई ऐसी इनटैजिबल सर्विसेज जो होती हैं या कोई ऐसा आइडिया या कोई भी ऐसी वैल्यूबल चीज़ कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है जिसको आप मार्केट में लेके आओ जिसकी डिजायर है जिसकी नीड है जिसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार है और उस चीजों को खरीद के उन फिजिकल प्रोडक्ट्स को खरीद के या उन सर्विसेज को परचेज करके उसको कस्टमर नीड और सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है इससे ओके okay? So, uh, अभी तक हमने क्या किया वी डिड वॉज मार्केटिंग मैनेजमेंट इन लेव टू डू रीड दोलो हाईलाइटेड वेरी नाइसली आपको मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया है बट रीड दीज लाइन अगेन एंड अगेन जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आपको ये लाइन पढ़ने में मदद मिलेगी समझ में आएगा बट You are going to write very good English. You are going to frame very nice answers. And जो highlighted points hai आप उनको जरूर अपने answers में include करोगे आपके book के keywords aap आप karoge करोगे तो बहुत अच्छा होगा डायग्राम्स जरूर karo करो पॉइंट्स में आंसर तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिवेंट अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है अब अगर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट जरूर लिखोगे नीड एंड वॉन्ट क्रिएटिंग अर मार्केट ऑफरिंग क्रिएटिंग स्टमर वैल्यू एक्सचेंज चार्ट बना दोगे ऐसे ही प्रेजेंटेशन की जाती है छोटा सा ऐसा चार्ट बना दोगे इनको आप अलग कलर में लिखोगे या इसको अंडरलाइन करोगे उसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे उसके अंदर आप की लिखोगे तो वाई विल यू नॉट गेट ऑन मार्क्स यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इफ़ यू प्रेजेंट लाइक दिस मतलब जहां पे पॉइंट्स है पॉइंट्स का आप छोटा सा डायग्राम जरूर बनाओ पॉइंट्स को वन टू थ्री फोर में बता के हाईलाइट अंडरलाइन जरूर करो ऐसे पॉइंट दोगे तो और बेनिफिशियल हो जाते हैं और उन पॉइंट्स के अंदर इम्पोर्टेंट की होने चाहिए स्टडी आई विल डू इन अ मच बेटर वे जब आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे मैं एक बार सारी केस स्टडी आपके साथ फिर से रिवाइज करूंगी व्हाट कैन बी मार्केटेड यू कैन गेट अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन वन और टू लाइन क्वेश्चन व्हाट कैन बी मार्केटेड कैन ओनली फिजिकल गुड्स बी मार्केटेड नो एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट टू वांट और कोई भी नया सामान आप बना सकते हो कोई भी एक नई सर्विसेज जनरेट हो सकती हैं ऐसा नहीं है कि जो अभी चल रहा है बस वही बिक रहा है बहुत नई चीजें बन सकती है बहुत नई चीजें दिन ब दिन बन रही हैं सर्विसेज आ भी रही हैं वो सारे सर्विसेज वैल्यूएबल हैं मार्केट में लेके आते हो उनकी नीड महसूस होती है कस्टमर्स उसको यूज करें और सेटिस्फाइड फील करते हैं न बी मार्केटेड दिस इज ना ये अगर फोर फाइव पॉइंट आप याद रखोग गिव एग्जाम्पल्स लाइक फिजिकल प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड सर्विसेज लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस शोज थिएटर टूरिस्ट टूरिज्म वाले अपनी सर्विसेस को मार्केट uh, करते हैं टूरिस्ट क्या करता है केरला uh, को इतना ब्यूटिफाई करके पिक्चर्स में दिखाता है पैकेजेस ऐसे बनाता है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं तो दे फील हैप्पी अबाउट इट सैटिस्फाइड फील करते हैं कि चालीस पचास हजार का वो पैकेज लेके गए थे दे फील हैप्पी अबाउट इट यू नो कैस कोई भी कोई इंफॉर्मेशन जो मार्केट में आ सकती है वैल्यूएबल है और उसको हम मार्केट कर सकते हैं एंड इट इज डेफिनेटली इट डेफिनेटली हैजिस्फाई ह्यूमन नीड एंड वॉन्ट ओके दिस इज ऑल फॉर पार्ट टू आई विदर टॉपिक्स इन अदर पार्टिनेटली आई एम ट्राइंगीडियो रिकॉर्ड में दो टॉपिक कवर हो जाए बट अगर लेंथ हो जाता है तो आईप इट आई डोंट वॉन्ट टू टेक दिस वीडियो फॉर मोर देन थर्टी मिनिट्स सो वीडियो इंट्रोडक्शन मार्केटिंग इन वॉट कैन मार्केट इड सो आई विंग दिसिक इन पार्ट थ्री मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग थैंक यू हैव अस डे इस चैप्टर को इनफैक्ट अपने पूरे सिलेबस अपने पूरी बुक को बार बार रीड करो आपको लगता है कि कोई एक लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है आप कुछ वर्ड्स को गूगल कर सकते हो यू कैन ऑल्सो यू नो कनेक्ट विद मी यू कैन यू हैव माई ई मेल्स यू कैन मेल मी थैंक यू सो मच